सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर मनदीप कौर पन्नू। आज की जो मेरी वीडियो है वो नैनी का एक रिजेक्शन हुआ हुआ केस आया है, उसकी मेरे पास रिजेक्शन लेटर आई है, तो मैंने सोचा कि आपसे वो इन्फॉर्मेशन मैं आज डिस्कस करूँगी। तो नैनी की जो रिजेक्शन लेटर आई है, उस बच्चे का इंटरव्यू भी अच्छा हो गया, पर उसकी रिजेक्शन लेटर क्या आई है? एम्प्लॉयर की इनकम की वजह से। एम्प्लॉयर ने बॉर्डर लाइन शो करी, मिनिमम 73 उसने असेसमेंट में शो करा, उससे क्या हुआ, उस बच्चे का रिजेक्ट हो गया। तो मैं आपसे सभी को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कोई भी नैनी का वीज़ा अप्लाई कर रहा है तो अपने एम्प्लॉयर को कहो कि अगर 85 से लेके अगर 19 तक आपकी बनती है इनकम तो आप शो करिए, उसमें क्या आपके रिजेक्शन बिल्कुल नहीं आते एम्प्लॉयर बेस पर। पर क्या होता है कि कभी एम्प्लॉयर कम इनकम शो कर देता है अपनी असेसमेंट में, उससे बच्चे की रिजेक्शन आ जाती है। तो वो मैं आपको लेटर दिखाती हूँ जिस करके वो एम्प्लॉयर की इनकम कम शो करने की वजह से बच्चे का रिजेक्शन हो गया, तो उसमें क्या बच्चे का फ्यूचर भी ख़राब हो जाता है और एक रिजेक्शन का स्टैंप लग जाती है कि बच्चे का पहले नैनी में रिजेक्शन हुआ है। तो आपको यही कहूँगी कि आप अपने एम्प्लॉयर को, कोई भी नैनी का वीज़ा ट्राई कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो एम्प्लॉयर को ज़रूर कहिए कि जितनी आपकी इनकम है वो शो करें। तो अब ये वो आपको मैं लेटर दिखाती हूँ, तो हम वो लेटर देखते हैं। ये बेटा आप एक रिजेक्शन लेटर आई है नैनी में। आई एम नॉट सर्टिफाई दैट द जॉब ऑफर इज जनरल। एक एम्प्लॉयर की कम इनकम की वजह से जो है बच्चे का रिजेक्शन हो गया। तो कम से कम कोई भी एम्प्लॉयर है तो पूरी इनकम शो करे तो बेटर है, तो उससे क्या है कि आपके वीज़ा सक्सेस रेट के 100% हो जाते हैं। तो आपको एक बात कहना चाहूँगी कि ये अपनी जॉब ऑफ़र जो भी आप मंगा रहे हो एम्प्लॉयर से, उससे अपनी इनकम पूरी ज़रूर लिए, यानी कि 85 से लेकर 95 तक मिनिमम लिए, उससे क्या है पॉजिटिव चांस ज़्यादा हो जाते हैं। या देखो एक लाइन लिखी हुई है, यहाँ आप पूरी ये लाइन देख सकते हैं, ये देखिए आगे हम आ जाते हैं। ये लेटर देख ली है तो इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बेल घंटी क्लिक करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।